This is about the schedule of parliament. 4 जून से 16वीं लोकसभा का पहले सत्र शुरू होगा. 4 और 5 को शपथ ग्रहण होगा. 6 तारीख को माननीय सभापति जी का चुनाव होगा. 7 और 8 शनिवार और रविवार है और 10 11 को राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बारे में चर्चा होगा. 9 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 10 और 11 को राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर चर्चा होगा और अंत में प्रधानमंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा का समाधान देंगे. जरूरत पड़े तो उस समय की स्थिति के अनुसार एक दिन बढ़ाना क्या करना हम लोग तय करेंगे स्थिति के अनुसार. ये आज का कैबिनेट का निर्णय है और साथ ही साथ हमने कल राष्ट्रपति महोदय से मिला और उनको अवगत कराया जो प्रोसीजर है. प्रोसीजर के हिसाब से सबसे वरिष्ठ सीनियर मेंबर है श्री कमलनाथ जी, उनको प्रोटर्म स्पीकर का नियुक्त करने के लिए हमने सिफारिश किया और एक 3 सदस्य सीनियर मोस्ट अर्जुन शरण सेठी, पीए संगमा, श्री बीरेन सिंह इंटी, इन तीनों सदस्य महोदयों को हम पैनल चेयरमैन के रूप में राष्ट्रपति जी के पास सिफारिश भेजा है. हमारी कमलनाथ जी से, अर्जुन शरण सेठी जी से, संगमा जी से, बीरेन सिंह जी से चारों से बातचीत किया. कारण क्या है, उनका कंसेंट का भी जरूरत है. ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पद नहीं है, इसलिए उन लोगों को भी रुचि होना चाहिए. तो उन लोगों ने अपना स्वीकृति दिया है तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. मित्रों, जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, राज्यसभा 9 तारीख जॉइंट सेशन से शुरू होगा. वहाँ शपथ ग्रहण का कोई अभी कोई ये नहीं आई, तो भी वो उसी दिन होगा. ये वहाँ का स्थिति है दोनों सदनों में. आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक में प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रियों का अपना अपना विभाग के बारे में, मंत्रियों ने तो कुछ इश्यूज और कुछ सुझाव वगैरह प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है. प्रधानमंत्री सब सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा सबसे महत्वपूर्ण विषय है मुख्य मुद्दा. उन्होंने कहा गवर्नेंस, सुशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है. इसके ऊपर लोग प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए. दूसरा विषय उन्होंने कहा डिलीवरी. डिलीवरी इज इम्पॉर्टेंट. और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन. और उन्होंने जोर दे के ये भी कहा जो स्टेट गवर्नमेंट से जो चिट्ठियाँ आते हैं, रिप्रेजेंटेशन आते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसको अध्ययन करके तुरंत रेस्पॉन्स देना चाहिए. और जो माननीय संसद सदस्य और पब्लिक से भी जो रिप्रेजेंटेशन विज्ञापन विनती आता है उसके बारे में भी ध्यान दे के तुरंत उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए. और प्रधानमंत्री ने जिन्हें ये विषय भी कहा है, पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी. और जो इश्यूज पेंडिंग है डिपार्टमेंट में, पुराना सरकार के कारण से हो और भी कारण हो, उसको प्रायोरिटी देके तुरंत उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए. तो प्रधानमंत्री जी ने, दैट मीन्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस्ड ऑन 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. वन इज द ओवरऑल गवर्नेंस, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, व्हिच हैज बीन लैकिंग. व्हिच हैज बीन लैकिंग इज माय कमेंट. एफिशिएंसी, डिलीवरी सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन, these are the 3 important guidelines the honorable prime minister has given to the council of ministers today. And what are the issues that are at the last stage, take them on priority and try to move forward. And in coming 100 days
what are going to be your priorities, what is your program, what is your timetable, you work out and then try to implement it. And then he also suggested that the representation or the proposals that have come from states, they should not be kept pending for long. They should be addressed on priorities, because the Prime Minister's stress has been from the day one is that to take the states along with the center, a real federal system wherein both should feel that they are the stakeholders. So, and then secondly, about the representation of the people's representatives, members of parliament, and the representation of the general public, they should be given all seriousness, and those issues should be addressed simultaneously. This is the thrust of the Honorable Prime Minister's advice to the cabinet colleagues. He said that he will also have a meeting with the ministers separately. He will also have a meeting with the secretaries separately.